हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। देखिए, आज आपके लिए इंग्लिश में हम चैप्टर लेकर आए हैं कीपिंग क्वाइट। ये पोएट्री का थर्ड चैप्टर है। इससे पिछले क्लास में हम आपको दो चैप्टर करा चुके हैं। इसके आज हम आपको इसका सेंट्रल आइडिया कराएंगे कीपिंग क्वाइट का। यहाँ पर देखिए, इसके राइटर हैं पैब्लो नेरुडा। यहाँ पर देखिए, ये जो चैप्टर का नेम है कीपिंग क्वाइट, इस चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है। क्वाइट का मतलब होता है शांत और कीपिंग का मतलब रहना। यहाँ पर जो पैब्लो नेरुडा हैं वो शांत रहने के लिए बता रहे हैं। क्यों शांत रहने के लिए बता रहे हैं वो यहाँ पर इस चैप्टर में, इस सेंट्रल आइडिया में यही बता रहे हैं। पूरे अगर हम आपको इसकी समरी बताएं तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य है उसको हमेशा सांसारिक गतिविधियों में नहीं उलझे रहना चाहिए। कभी उसे अपने आप पे भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण का मतलब क्या होता है? अपने आप से बातें करना चाहिए। अब इंसान अपने आप से बातें कब करेगा? जब वो खाली होगा। लेकिन आज का जो मनुष्य है वो खाली ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो पैब्लो नेरुडा है वो केवल इतना बताना चाह रहे हैं, मोस्टली केवल इतना बता रहे हैं कि इंसान को खाली भी रहना चाहिए, मतलब हमेशा सांसारिक गतिविधियों में उलझे नहीं रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेंट्रल आइडिया है इसके बारे में आपको बताते हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि चैप्टर में जो पैब्लो नेरुडा है वो कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इन दिस पोयम कीपिंग क्वाइट पोएट पैब्लो नेरुडा मोस्टली टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंस्ट्रोस्पेक्शन। यहाँ पर जो इस पोयम, जो ये पोयम है कीपिंग क्वाइट, इसके जो पोइट है पैब्लो नेरुडा मोस्टली टॉक्स अबाउट, टॉक्स का मतलब क्या होता है? बात करना। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। सबसे ज़्यादा वो बात किसके बारे में कर रहे हैं? नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंस्ट्रोस्पेक्शन। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यक, क्वाइट मतलब शांत, और इंस्ट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। वो ये कह रहे हैं कि सभी मनुष्य को, जितने भी मनुष्य हैं, मानव जाति हैं, उनको आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है या आवश्यकता है। आगे लिखा है, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमोंग ह्यूमन बींग्स। यानी जो हमारी जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मानव हैं, उनको उनके बीच में क्या होनी चाहिए? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी कि जो उनको, जो मनुष्य होते हैं उनको किसी दूसरे मनुष्य की फीलिंग को समझने की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो होना चाहिए। ठीक है, तो नेरुडा है इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसको दूसरे की बात को समझने के लिए, उसकी फीलिंग को समझने के लिए, उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में होनी चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। अब आगे देखिए क्या है। ही सेज कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू स्टार्ट अवर एक्टिविटीज़ इन अ नाइस वे। यहाँ पर जो पोइट हैं पैब्लो नेरुडा वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम शांत रहें विल हेल्प अस टू स्टार्ट अवर एक्टिविटीज़ इन अ नाइस वे। कह रहे हैं कि अगर हम शांत रहें तो हम जो अपनी गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं एक अच्छे रास्ते की ओर। तो देखिए अब आगे हमारा जो है, आगे क्या कह रहे हैं पैब्लो नेरुडा जी। सो काउंटिंग इस 12 एंड स्टॉप ऑल अवर एक्टिविटीज़ फॉर अ सेकेंड, फॉर अ फ्यू सेकेंड। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम शांत रहें, शांत रहेंगे तो हम एक अच्छे रास्ते की ओर अपनी गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं कि चलिए स्टार्ट करते हैं 12 तक गिनना। उन्होंने क्या किया, 12 तक गिनिए एंड स्टॉप ऑल अवर एक्टिविटीज़। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 12 तक गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बस यहाँ तक वो कह रहे हैं कि यहाँ तक गिने एंड स्टॉप ऑल अवर एक्टिविटीज़ फॉर अ फ्यू सेकेंड। यहाँ तक 1 से 12 तक आपको गिनना है, और आपको जितने भी आप काम कर रहे हैं, जितनी भी आप गतिविधियाँ कर रहे हैं, उनको बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए, फॉर अ फ्यू सेकेंड, यानी कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए। आगे कह रहे हैं, पोइट सेज द पर्सन हु रिमेन्स ऑल द टाइम बिजी इन वर्ल्डली एक्टिविटीज़। यहाँ पर जो पोइट है वो आगे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो यहाँ पर पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति, जो व्यक्ति हर समय बिजी रहता है वर्ल्डली एक्टिविटीज़, यानी सांसारिक गतिविधियों में हमेशा बिजी रहता है, हमेशा व्यस्त रहता है, कैन नेवर अंडरस्टैंड देम सेल्फ। यहाँ पर जो व्यक्ति है वो हमेशा सांसारिक गतिविधियों में व्यस्त रहता है, वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं सकता, यानी अंडरस्टैंड का मतलब समझना, देम सेल्फ का मतलब किसी और को नहीं समझ सकता है, कभी नहीं समझ सकता है। एंड ट्राई टू हार्म टू अदर पीपल। जब वो समझ नहीं सकता है तो वो कोशिश करता है कि वो दूसरे व्यक्तियों को हानि पहुंचाने की, यानी ट्राई का मतलब कोशिश करना, हार्म का मतलब होता है हानि पहुंचाना। वो जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। अब देखिए आगे क्या है।
एवरीबडी नीड टू स्टिलनेस, यहाँ पर एवरी का मडी यानी एवरीबडी का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, नीड माने आवश्यक यानी जरूरत है, टू स्टिलनेस, स्टिलनेस का मतलब स्थिरता या कहते शांति पर, शांति के लिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्थिरता की जरूरत है। पोइट यूजेस द सिंबल ऑफ अर्थ, यहाँ पर जो पोइट है वो एक अर्थ क्या होती है, पृथ्वी के माध्यम से हमको ये समझाना चाह रहे हैं या पृथ्वी का यूज़ करके ये बताना चाह रहे हैं दैट इन विंटर द अर्थ सीम्स टू बी डेड। यहाँ पर जो पोइट है वो अर्थ के सिंबल से एग्जांपल लेके बता रहे हैं कि जो अर्थ है वो विंटर में यानी जो सर्दी के मौसम में जो अर्थ होती है वो कैसी लगती है, बिल्कुल डेड लगती है यानी मरी हुई लगती है। बट इन स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, इट सीम्स अलाइव, यानी जो स्प्रिंग में क्या होती है, बसंत में बिल्कुल जान उस पर आ जाती है। सो पोइट प्रूव्स दैट इन लाइफ इन दैट इज लाइफ इन स्टिलनेस, यहाँ पर जो इन्होंने अर्थ का एग्जांपल लिया है, पोइट इसके ज़रिए इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि जो लाइफ इन स्टिलनेस यानी जो जीवन है, जीवन में स्थिरता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर जो पोइट पैब्लो नेरुडा है केवल इतना बताना चाह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्टिलनेस की ज़रूरत है, उसे मतलब हमेशा वर्ल्डली एक्टिविटीज़ यानी कि सांसारिक गतिविधियों में बिजी नहीं रहना चाहिए। तो वहाँ पर इसलिए वो क्या कहते हैं कि सो काउंटिंग 12, यहाँ पर उन्होंने ये बात देखिए कही है, सो काउंटिंग 12 यानी 12 तक आपको गिनना है और जितनी भी आपकी सांसारिक गतिविधियाँ हैं उनको बंद कर देना है, कुछ समय के लिए बंद कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छे रास्ते की ओर उन गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक अर्थ का एग्जाम्पल भी ले लिया है कि सर्दियों में जो अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, वो मरी लगती है, मतलब बिल्कुल डेड के रूप डेड एज अ डेड लगती है। बट जब स्प्रिंग होती है यानी जब बसंत होती है तो एकदम से वो कैसे हो जाती है, अलाइव यानी जीवित हो जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरी सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।